हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है तुलसी विवाह और तुलसी विवाह के दिन हम तुलसी जी और नारायण जी की शादी करवाएंगे और साथ में कुछ मीठा बनाएंगे। तो मीठा में हमने बनाने वाले हैं हमारी गुजराती फेमस सुखड़ी। तो आज हम सुखड़ी बनाएंगे आटे को सेक कर। नॉर्मली सुखड़ी बनती है घेव गुड़ और घी को मिक्स करके फिर उसको गरम करके, जिसे हम गुजरात में बोलते हैं हम गोल अने गीनो पा करवो, उस तरह से बनाते हैं। पर आज हम बनाएंगे आटे को सेक कर। तो चलिए देखते हैं कैसे बनती है। तो सबसे पहले हम घी गरम करेंगे। ये कटोरी भर के मैंने घी लिया था, तो इतनी ही कटोरी मैंने आटा ले, इससे थोड़ा ज्यादा आप आटा ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे घेहू का बारीक आटा लिया है, आप चाहे तो थोड़ा मोटा आटा भी ले सकते हैं। मोटा आटा लेने से होगा ये कि आपकी जो सुखड़ी है थोड़ी क्रिस्पी बनेगी और ये थोड़ी स्मूथ बनेगी। अगर आपको लगे कि आटा कम है तो आप इसमें थोड़ा सा आटा और ऐड कर सकते हैं। आटा बराबर सिक चुका है कि नहीं, उसके लिए आटे का कलर एकदम ब्राउन हो जाएगा, जो आपका लाइट कलर है, और हिलाने में एकदम लाइट और फ्लफी हो जाएगा और साइड में से घी उसका निकलने लगेगा। तब तक आपको सेकना है जब तक आपको ये तीन निशानियां ना मिल जाए। बोलो, इसको इस तरह से कंटिन्यूस हिलाते रहना है। ध्यान रहे आटा चिपकना या जलना नहीं चाहिए और एकदम मीडियम आंच होनी चाहिए आपके गैस की। आप खुद बनाएंगे आपको दिख जाएगा कि आपका कलर आटे का पहले कैसा था और अब कैसा है। इससे आटे की महक अच्छी आती है और महक से ही सुखड़ी का टेस्ट आता है। हम जो वो गुड़ घी का पाव बनाते उसमें आटा थोड़ा कच्चा रह जाता है, इसमें आटा बिल्कुल कच्चा नहीं लगेगा, बिल्कुल सिका हुआ बराबर से रोस्ट हो जाएगा। इसको सेकने में पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि सेकने में टाइम लगता है, पर उसी का टेस्ट आपको आएगा अच्छे से। आपको किसी भी स्टेज पर ऐसा लगेगा आटा अभी भी थोड़ा कम सिक रहा है तो आप एक दो चम्मच घी डाल दीजिए, ऑटोमेटिक वो सिकना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं मेरे इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो रहा है और घी भी धीरे धीरे छूटने आया है और स्मेल भी अच्छी आने लगी है इसकी। बिल्कुल सिक चुका है, अब हम इसे गैस पे से साइड पे रख देंगे और इसको थोड़ी देर ऐसे ही हिलाएंगे जिससे ये एकदम नॉर्मल हो जाए। पर इसे ठंडा नहीं होने देना, ठंडा होगा तो गुड़ बराबर से पिघलेगा नहीं। आप देख सकते घी कैसे साइड में से निकलने लगा है और एकदम लाइट हो गया है। इसको इस तरह से आपका घी ऐसे साइड में से निकलने लगेगा, आप देख सकते हैं। मैं तो देख के ही हैरान हो गई। इस तरह से घी पूरा साइड में से निकलने लगेगा। अब इस स्टेज पे ये गुड़ आप इसमें डाल दीजिए। वाह, मुंह में पानी आ गया। और इसको मिक्स कर दीजिए। मम्मा, तुमको मुंह में पानी आया? मुझे भी आया, पर भगवान को प्रसाद देने के बाद ही हम खाएंगे। अगर यहाँ पे लगे कि आपका मिक्सचर थोड़ा ड्राई हो गया है तो एक या दो चम्मच इसमें आप दूध डाल दीजिए जिससे मिक्सचर क्रीमी हो जाएगा। और घी और गुड़ की गर्मी, आटे और घी की गर्मी से ये पूरा गुड़ पिघल जाएगा। स्वीट आप अपने हिसाब से रख सकते हैं इसकी। देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है और गुड़ पूरा पिघल भी गया है। इस स्टेज पे मैं थोड़ा सा घी ऐड कर देती हूँ ताकि टेस्ट अच्छा लगे इसका। अब हम इसको ग्रीस किए हुए प्लेट पे ठंडा कर देंगे। तो ये ग्रीसिंग की हुई प्लेट में हम इसको ठंडा कर देंगे सुखड़ी को, और ऐसे कटोरी की मदद से प्रेस कर देंगे। मेरे पास प्लेट छोटी है इसलिए इसके पीसेस थोड़े थिक बनेंगे। आपके पास अगर प्लेट थोड़ी बड़ी होगी तो पीसेस थोड़े पतले बनेंगे। आप देख सकते कितना बढ़िया कलर आ गया है इसका और कितनी अच्छी दिख रही है। ये लाइफ की सेकंड सुखड़ी है जो बेस्ट बनी है, फर्स्ट तो अच्छी बनी ही नहीं थी मेरी।
अब ये देखना है कि कड़क ना बने ज्यादा तो अच्छा है, सॉफ्ट बने। तो ये सुखड़ी मैंने तुलसी विवाह के पर्व पे बनाई है। चलिए अब चलते हैं तुलसी विवाह के पर्व पे, हम तुलसी विवाह करेंगे आज। तब तक ये ठंडी होने देते हैं हम, और जब ये भगवान को हम चढ़ा देंगे प्रसादी, उसके बाद हम सब प्रसाद इसका ग्रहण करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और सुखड़ी कैसी बनी है ये मुझे ज़रूर बताना, देखने में, खाने में तो मैं बताऊंगी कैसी बनी एक बार प्रसाद चढ़ा दो तब। तो इसी के साथ आप मेरा नेक्स्ट व्लॉग देखना, जिसमें हमने तुलसी विवाह कैसे करवाई वो भी मैंने बताया है। एक ही दिन मैं दोनों व्लॉग पोस्ट कर दूँगी, ताकि आपको सुखड़ी का भी स्वाद मिल जाए, तुलसी विवाह कैसे क्या वो भी देखने मिल जाए। बाय बाय।